मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक खराब कर रहे हैं दान में मिला खून। 3 से 4 दिन बाद ब्लड बैंक में वापस भिजवा रहे खून के पैकेट। शिवपुरी में एक और जहां ब्लड बैंक में खून की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक के स्टाफ की लापरवाही के कारण दान में मिले खून को खराब कर रहे। हालात यह है कि मेडिकल कॉलेज में बिना आवश्यकता मरीजों के स्वजनों से खून मंगवा लिया जाता है, लेकिन उक्त खून मरीजों को चढ़ाया नहीं जाता। इस खून को 2 से 3 बाद ब्लड बैंक को वापस भिजवा दिया जाता है। ऐसे में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक मरीजों की जान बचाने के रखे गए खून को खराब कर रहे हैं। संतम जी, संतम संतम आगे क्या लिखते हो? जाटा। संतम कहाँ से आए हो? अगररा गांव से। अगररा गांव से कहाँ पड़ता है ये? पोरी के पास। पोरी के पास। तो किसके लिए ले गए थे ब्लड आप? मेरा बच्चा है। क्या नाम है? देव जाटा जी। कहाँ भर्ती है? मेडिकल कॉलेज में। तो ये ब्लड तो मंगाया था 5 तारीख में ही मांगा। हाँ, मैं ब्लड ले गया, उसमें 20 ml लगा दिया, ये मैंने रख दिया। मैंने बोला इतना ही लगेगा, कहीं उतना ही लगेगा बच्चे के, रख दिया। फिर आज वो नहीं मांगा, तो मतलब आज 10 तारीख आज मांगा, तो मैंने बोला मैं पहले का तो रखा है, तो वो तो खराब हो गया। मैंने कहा खराब हो गया तो दो। तो उस वक्त कितनी डिमांड लिखी थी इन्होंने? उस वक्त तो उनने फुल रखी थी मेरे पास, एक बोतल फुल रखा था। ये तो मैं प्रियंका मैम के पास गया, उन्होंने फिर 100 ml लिख दिया। 100 ml लिख दिया था उस वक्त? उन्होंने पहले तो फुल बोतल बोतल प्रियंका मैम के पास गया, उन्होंने तो 100 ml लिख दिया। तो अब जी वहाँ पे रखे रहे वो अपने पास आवाज फिर ब्लड मांगा, दोबारा एक बोतल और मांगा, अब दोबारा मांगा है 100 ml और मांगा। जी खराब हो गया, बोला खराब हो गया। आपका? जगराम सिंह धागड़। जगराम सिंह धागड़ कहाँ के, किस गांव के रहने वाले? गांव सीर बांस खेड़िए, शिवपुरी की नजदीक ही है जी। तो ये आप आज ब्लड बैंक में ब्लड वापस करने आए हो, तो कैसे आए हो और क्यों ले गए थे ये? मेरी मिसेज की डिलीवरी होनी थी, 7 तारीख को डिलीवरी हुई, ऑपरेशन हुआ था। क्या नाम था? कृष्णा धागड़ जी। तो बोले कि ब्लड की आवश्यकता है, तो अपन ने ऐसे भैया को बुला करके ब्लड एक्सचेंज करके यहाँ से ब्लड बैंक से ले लिया, लेके गए, ऑपरेशन भी हो गया। और बोले कि इसको पलंग पर रख लो आप, आज 4 ब्लड बोतल रख ही रही है, 4 दिन हो गए। तो बोले एक आध बार क्या कि मम्मी इतना समझदार नहीं है और अंदर जेंट्स जाते नहीं है, लेडीज इतनी जागरूक होती नहीं है महिलाएं, तो बोले कि आप यहीं रख लो पलंग पर रखी रही। एक आध बार मम्मी ने कहा भी होगा उनसे, मैडम सिस्टर से, कि बोले जब बोतल लगी रखी रहने दो, लगा देंगे। बस अभी तक लगी नहीं, आज मैंने गौर से देखी तो पलंग पर रखी बोतल, मैंने कहा जी क्यों रखी है? तो बोले वो तो लगाई नहीं, पूछा बता मैडम जी बोतल लगी है, बेकार हो गई है।